अब तुम्हारी माया नहीं, युद्ध होगा यहाँ। यही तुम्हारी इच्छा है? तो मैं भी तैयार हूँ। अस्त्र शस्त्र कहाँ है तुम्हारे बालिका? या अपनी इस जाप माला और भजन ताल से ही युद्ध करोगी? ये तो तुम्हारी समझ पर निर्भर करता है। समझो तो जाप माला और समझो तो अस्त्र। बहुत हुआ इसका ये राग, अब मैं इसे समझाता हूँ। इसकी जाप माला में इतनी शक्ति है? हटो, वहां से हटो। कहां? अच्छा, धन्यवाद। नहीं नहीं, धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा हृदय है ही इतना विशाल, विपत्ति में मैं सभी को बचाता हूँ। वास्तव में मैं इतना चतुर हूँ कि मुझे आने वाली विपत्ति का आभास पहले ही हो जाता है। तुमने मुझे बचाया तो तुम शत्रु तो नहीं हो सकते। हाँ, और तुमने मुझे बचाया इसलिए मैं भी तुम्हारा विश्वास कर सकता हूँ। तो मुझे शीघ्रता से गणेश अपनी श्वास रोक कर ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं खेलने वाला मूषक हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। मेरा प्यारा मूषक, मेरा गुड्डा मूषक। यहाँ से आपके चित्कार सुनाई दी थी, क्या हुआ? उसके गिरने से मैं डर गई थी, किंतु सब ठीक है, आप जाइए। ये मूषक आपका खिलौना है? और किसी पशु का खिलौना नहीं बना सकती थी? ये तो देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। ये जैसा भी मेरा मित्र है, आप जाइए यहाँ से। इसे और बड़ा बुरा कहा तो मैं पिताश्री से कह दूंगी। जी। चलो, इतना तो हुआ कि तुम मुझे शत्रु नहीं मित्र मानती हो। हाँ हाँ मित्र, चलो मेरे साथ। किंतु कहाँ कहाँ चलूँ तुम्हारे साथ? और कहाँ? पिताश्री के निकट। ये मुझे भंडासुर के पास क्यों ले जाना चाहती है? कहीं इस पर विश्वास करके मैं भूल तो नहीं कर रहा? मुझे अपने कार्य में विलंब हो रहा है, इसलिए तुम जाओ अपने पिता के पास, मैं अपने कार्य के लिए जाता हूँ। अरे रुको मूषक। अभी तो इसने कहा इससे विलंब हो रहा है, तो ये लौट क्यों आया? मित्र हो तो इन प्रहरियों से इतना डर क्यों रहे हो? तुम मित्र हो तो भंडासुर जी के पास क्यों ले जाना चाहती हो? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लौट जाओ यहाँ से, इस पुष्प भूमि को अपनी मृत्यु भूमि मत बनाओ। माया बिड़ी, मृत्यु तो तुम्हारी होगी, तुम्हारी होगी, तुम्हारी होगी। सैनिकों, सैनिकों,
मैं भी देखता हूँ। तुम अपनी इस जाप माला ताल और तितली को अस्त्र बनाकर युद्ध कैसे करती हो? समझ। सैनिको रुको मत, आक्रमण करो। क्या हो रहा है? इसका वेग इतना तीव्र कैसे? सावधान सैनिकों! मेरी सेना एक ही उड़ान में उसका अंत कर दिया इसने। रक्तपात को रोकने का एक ही उपाय है। आज का युद्ध समाप्त होने से पूर्व मुझे अपना यज्ञ संपन्न कर महादेव को यहां आने पर विवश करना होगा। प्रणाम प्रभु महाशिव। ये अपने किसी भी विजय का कितना भी आनंद क्यों ना मना ले, किंतु अंतिम विजय का उत्सव तो मैं ही मनाऊंगा। अब और दो मोदक ही खा सकता हूँ, तीसरा खाया तो मेरा पेट ही फट जाएगा। माता से गणेश की यह हालत देखी नहीं जा रही, अब मुशक जी को शीघ्र कुछ करना होगा। पहरियों! क्यों? उन्हें क्यों बुलाया तुमने? पहरियों! कहाँ जीपो? मैं इसने फंसा ही दिया ना मुझे, तो अब मैं गणेश जी की सहायता कैसे करूँगा? और वहाँ युद्ध समाप्त होते ही भंडासुर भी लौट आएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इन प्रहरियों से बचने के लिए मैं पुनः अपनी श्वास रोककर निर्जीव होने का स्वांग करता हूँ। हाँ।
जी राजकुमारी जी। बहारी जी ये खिलौना नहीं, ये चलता फिरता जागता हुआ बोलने वाला मूषक है और ये हमारा मित्र शत्रु है। एक बालिका तितली पर सवार होकर हमारी संपूर्ण सेना का संहार कैसे कर सकती है? मैंने कहा था ना, मेरे सुंदर उपवन को युद्ध भूमि मत बनाओ। इस पुष्प भूमि को रक्त रंजित मत होने दो। अभी तो युद्ध आरंभ हुआ है बालिके, इन साधारण सैनिकों का वध करके ये मत समझो कि तुम विजयी हो गई। हमारी शक्ति तो तुम अब देखोगी जब हम अपने अस्त्र उठाएंगे। जिनके पश्चात ना तो तुम हमारे अस्त्रों से बच पाओगी ना ही तुम्हारे अस्त्र हमारे कवच को भेद पाएंगे। हम विशुक्र पुत्रों ने मायावी ढाल उत्पन्न कर दी है, आप कोई अस्त्र इन्हें नहीं भेद पाएगा। बालिका अब प्रहार भी हम ही करेंगे और तुम्हारा संहार भी। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, महादिव्य शक्ति है जिससे ये सुख मुझ पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु अब मैं इन पर अपना वार करूंगी। देखा बालिका, समझ आया तुम्हें? असली युद्ध तो अब आरंभ हुआ है। हमारे अस्त्रों का कोई काट नहीं है तुम्हारे पास। विशुक्र पुत्रों की मायावी ढाल तुम्हारे किसी भी अस्त्र को हम तक नहीं पहुंचने देगी, और यदि ऐसा हुआ भी तो भी विषम पुत्रों की मायावी विनाशक शक्ति उन शस्त्रों को नष्ट कर देगी और तब हम भंड पुत्र 105 ब्रह्मांडों के देवास्त्रों के समान शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग कर तुम्हारे साथ अन्य देवियों का अंत भी वैसे ही करेंगे जैसा तुम्हारी तितलियों का किया था। मायावेणी अब सामना करो हमारे अस्त्रों का। और ये है मेरे विद्युतास्त्र का प्रहार। वायु अस्त्र का वायु प्रवाह और इन सभी से बच गई तो यह यमास्त्र तुम्हें यमराज के पास भेज देगा। हम तुम्हें और तुम्हारी माया दोनों को नष्ट करेंगे।
बालिके, अपनी छोटी बुद्धि की छोटी स्मरण शक्ति से मेरे भ्राता विषंग पुत्रों को भूल गई क्या? हमारे अस्त्रों की शक्ति उसके बाणों में कैसे समाहित हो गई? तो हमें इस पर और शक्तिशाली प्रहार करना चाहिए। वहां युद्ध भूमि में माता बाल त्रिपुर सुंदरी और यहाँ इस भवन में मैं, दोनों ही आज कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, क्योंकि माता वहां उन 24 असुर पुत्रों से अकेले युद्ध कर रही हैं और अब मैं ये अंतिम दो मोदक खा सकता हूँ। पुत्र गणेश का संकट अब भी दूर ना हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अनुज को इस अवस्था में नहीं देख सकता माता। मैं अभी जाकर उसकी सहायता करता हूँ। नहीं पुत्र कार्तिकेय, मूषक जी श्री माता ललिता से पुत्र गणेश की सहायता का उपाय प्राप्त कर पहले से ही वहाँ। किंतु माता, मूषक जी वहाँ है तो वो अभी भी गणेश तक पहुँचे क्यों नहीं? गणेश अभी भी संकट में क्यों है? ये चलता फिरता मूषक है। अच्छा राजकुमारी जी, हमारे साथ आप परिहास कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, ये चलता भी और बोलता भी है। बहुत चतुर है ये, आपके सामने अपना सत्य नहीं आने देता। आप चिंता मत करिए, इसका सत्य हम ज्ञात कर लेंगे अभी। ओम गणपते नमः। ये विघ्नहर्ता गणेश जी, मैं तो आपकी सहायता करने आया था, किंतु मैं ही संकट में आ गया। मुझे बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए। प्रहार करना है तो वही करें, गुदगुदी क्यों कर रहे हैं? रुको बेटी मूषक। मैंने कहा था ना, ये मूषक उछल के भी पीछे जा सकता है, तो देख क्या रहे, जाइए उसे पकड़िए। चलो। गर्व है मुझे अमरपुर के योद्धाओं पर, जिनकी उत्तम रणनीति से अब ना तो ये देवी उन पर आक्रमण कर सकेगी और ना ही अधिक समय तक उनसे अपना बचाव कर सकेगी। उनके केशों को बांध कर उनकी शोभा बढ़ाने वाली भीणी शीघ्र ही मेरे पुत्रों के हाथों में होगी। हमारी शक्ति से उसके बाण तप रहे हैं, तो क्यों ना हम इनका ताप बढ़ाकर इन बाणों को इस देवी के हाथों से छुड़ा दें। आनंद आ रहा है मुझे, बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ ये देवी विवश हो रही है और वहाँ श्री गणेश जी पहले से ही विवश हैं। अब बस एक मोदक और,
और अब शीघ्र ही प्रभु महाशिव यहाँ आने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ओम आदि शंकराय नमः, ओम महाशिवाय नमः। हमारे हाथ थक रहे हैं। ओम आदि शंकराय नमः, ओम महाशिवाय नमः। माता, उधर प्रभु महाशिव का ध्यान बढ़ रहा है और देवी बाल त्रिपुर सुंदरी भी असुरों के आक्रमण के कारण कठिनाई में आ रही है। माता, बाल त्रिपुर सुंदरी स्वयं उनका सामना करने में समर्थ है। और जहां तक भंडासुर की तपस्या का प्रश्न है, मैं प्रभु महाशिव की अर्धांगिनी हूँ, इसीलिए जब तक मैं उनके साथ हूँ, ये असुर उनका ध्यान कदापि नहीं बांट सकेंगे। ये अचानक प्रभु के अर्ध शरीर का रंग लाल क्यों हो रहा है? स्पष्ट छवि क्यों दिखाई थी मुझे? मुझे किसी भी दशा में अपनी पूजा रोकनी नहीं है। ओम महाशिवाय नमः, ओम आदि शंकराय नमः। अब तो मेरे मंत्र जाप का भी प्रभाव नहीं हो रहा। है माता पराशक्ति श्री माता ललिता, हम सभी उनकी लीला के साक्षी बने, ये हमारा परम सौभाग्य है। किंतु माता, मूषक जी के गणेश जी तक ना पहुंच पाने के कारण उनका संकट बढ़ता जा रहा है। पुत्र गणेश अगला मोदक खाए, उसके पूर्व ही मूषक जी को वहां पहुंचकर हमारी इस विकट समस्या का समाधान करना होगा। पिताश्री, बच गया। ये दुष्ट मूषक कहाँ गया? पकड़ो उसे। पिताश्री, मैं पिताश्री को यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ, किंतु अभी मेरे समझ में आया वो अवश्य काका लोगों के साथ युद्ध देख रहे होंगे, मुझे वही जाना चाहिए। आ, तुम फिर आ गए मेरे मार्ग पे? मार्ग में तो तुम मेरे आई हो। मेरे मार्ग में बाधा मत बनो, मुझे एक अवश्य कार्य करना है। मुझे भी अवश्य कार्य ही करना है। मुझे गणेश जी को बचाना है। गणेश जी को बचाना है। गणेश जी को बचाना है? हाँ, गणेश जी का पेट बढ़ता जा रहा है ना, वो कोई फट ना जाए, उसे रोकने के लिए मैं पिताश्री को ढूंढ रही हूँ।
इसीलिए तो मैं भी गणेश जी को ढूंढ रहा हूँ। तुम ढूंढोगी मूषा को, मुझे तुम पर तनिक भी विश्वास नहीं है। प्रहरी, रुको, प्रहरियों को मत बुलाओ, मेरा विश्वास करो। मुझे स्वयं माता ने प्रभु गणेश जी की समस्या के समाधान के साथ भेजा है। इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? माता से उनका कोई चिन्ह लेके आए हो? यदि मुझे पता होता कि तुम प्रमाण मांगोगी तो मैं अवश्य ही माता से कुछ लेकर आता और ऐसे अपने हाथ खोलता और वो चिन्ह उपस्थित हो जाता। माता के आभूषण, माता ने तुम्हें उन आभूषणों के साथ भेजा है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। कब, कैसे, ये कब हुआ? माता ने मुझे आभूषण कब दिए? गणेश जी ने कहा था माता अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है और वो सच्चे भी हो गया। तुम्हारे साथ अपने आभूषण मुझ तक पहुंचाकर माता ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी, तो अब मुझे तुम पर संदेह नहीं रहा। तो अब तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो, मुझे प्रभु गणेश जी के निकट ले चलो, क्योंकि तुम्हारे पिता प्रभु गणेश जी को अपने वचन से मुक्त कदापि नहीं करेंगे, इसीलिए भंडासुर को ढूंढने का कोई लाभ नहीं। मेरे पिताश्री मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, वो मेरा कहा अवश्य मानेंगे। हो सकता है, किंतु कहीं इसमें बहुत समय ना लग जाए। गणेश जी का पेट कितना बड़ा हो गया है, ये तो देखा ना तुमने, अब शीघ्रता करो। अच्छा चलो, किंतु प्रहरियों से बचकर। कहाँ है वो दुष्ट मूषक? ढूंढो उसे। अब अपने अस्त्रों को और साथ कर रखना कठिन हो रहा है। अब इनके अस्त्रों की शक्ति मेरे बाणों में समाहित हो चुकी है। बताओ, सावधान, ये मायावी ने पुनः कोई योजना बना रही है। प्रहार कराओ। इसके अस्त्र तो नष्ट हो गए, किंतु उनकी ऊर्जा भी हमारी ओर बढ़ रही है। तुम्हारी माया भी विनाशक शक्तियाँ इन अस्त्रों को नष्ट कर सकती है, किंतु इनके भीतर समाहित ऊर्जाओं को नहीं। तो अपने ही अस्त्रों की ऊर्जा से अपना बचाव कैसे करोगे तुम? हम अपनी मायावी ढाल से विषंग पुत्रों या भंड पुत्रों में से किसी एक समूह की रक्षा कर सकते हैं। तुम्हारे अस्त्र 105 ब्रह्मांडों की देवताओं की शक्ति से संपन्न है, यही कहा था ना तुमने? तो अब उसी शक्ति का भाव तुम पर ही हो रहे हैं। विषुक्र पुत्र, अब इस शक्ति से तुम किसकी रक्षा करोगे? क्योंकि भंड पुत्र और विषंग पुत्रों में से तुम एक का ही चुनाव कर उन्हीं की रक्षा कर सकते हो। सोच क्या रहे हो? सेनापति हम हैं, हमें बचाओ। सोच क्या रहे हो? सेनापति हम हैं, हमारी रक्षा करो। मेरे आठों पुत्रों का अंत हो गया, मेरे आठों पुत्रों का अंत हो गया। उठो भ्राता, मेरे आठों पुत्रों का अंत हो गया। प्रत्येक बार विजय के निकट पहुंचते ही
पर आते ही हमारे हाथ लगती है, परंतु मैं किसी भी मूल्य पर अपने पुत्रों को नहीं खोना चाहता। नहीं, उनकी प्रति त्याग और निष्ठा व्यर्थ है जो अपने स्वार्थ के आगे अपनों को ही भुला देते हैं। स्मरण रखना विशुक्र पुत्रों, जिस प्रकार इन भंड पुत्रों ने विशंग पुत्रों को नष्ट होने दिया, समय आने पर ये तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे, क्योंकि अपनी रक्षा हेतु किसी को भी आगे करना इन भंड पुत्रों के लिए चलता है। ये मायागिनी हमारे भीतर मतभेद उत्पन्न कर रही है। नहीं, इन्हें सत्य से परिचित करा रही हूँ मैं, जिससे मेरे अगले अस्त्र का प्रहार होने पर ये निर्णय ले सके कि इन्हें किसकी रक्षा करनी है, अपनी या तुम भंड पुत्रों की। क्योंकि मेरे अगले प्रहार से तुम में से एक समूह का तो विनाश अब अवश्य होगा। रक्षा नहीं की तो अनिष्ट हो जाएगा। ये क्षण भयभीत होने का नहीं है। कहीं भंड पुत्रों की रक्षा करने में मेरे पुत्र अपने ही प्राण ना गवा दें। बस बात हुआ, ना तुम्हारी कोई माया सफल होगी, ना हम भ्राताओं के बीच भेद उत्पन्न करने का कोई भी प्रयास, क्योंकि हम भंड पुत्र इनके मन में दुविधा उत्पन्न ही नहीं होने देंगे कि ये अपनी रक्षा करें या हमारी। भ्राताओं, सुरक्षा ढाल उत्पन्न करो। मेरे पुत्र मेरे विश्वास का कारण बन रहे हैं। जब मैं अपने लक्ष्य के इतना निकट हूं, तो अब मैं उसे प्राप्त करके ही रहूंगा। ओम चैतन्य रूपाय नमः। ये कैसा अनिष्ट है, मेरा मंत्र उच्चारण धीमा क्यों पड़ रहा है। प्रभु, जब यहां तक पहुंच चुका हूं तो थोड़ा और आकार बढ़ाकर इतने तीव्र स्वर में अपना मंत्रोच्चारण करूंगा कि वो सीधे आपके कानों तक पहुंचेगा। ओम महाशिवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम चैतन्य रूपाय नमः। मैंने तो अपना आकार इतना बढ़ा लिया, फिर भी प्रभु और मेरे आकार में इतना भेद क्यों है? तो क्या मेरे साथ प्रभु भी अपना आकार बढ़ा रहे हैं? पुर भंडासुर, इतना भी नहीं समझता। एकमात्र भगवान ही है जो संपूर्ण है, फिर भी अहंकारी संपूर्ण परमेश्वर के समान विशाल बनकर उन्हें ही प्राप्त करना चाहता है। जहाँ निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति भक्त को महान बनाती है, वही स्वार्थ और छल से की गई भक्ति सफल होने पर भी दुष्परिणाम ही लेकर आती है। ओम महाशिवाय नमः। ओम, मेरी सभी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। प्रभु महाशिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आज फिर मुझे असफलता का आभास हो रहा है। अब समझा, जो प्रयास मैं कर रहा था वो पर्याप्त नहीं था। मुझे अपने स्वर को प्रभु के कानों तक नहीं, उनके मन तक पहुंचाना है। मेरे इस उपाय से प्रभु अवश्य विवश होंगे। और प्रभु, समय रहते आपके आह्वान हेतु इस उपाय का प्रयोग करना। इतना तो चलता है, इतना तो चलता है।
मेरे साथ चलना स्वीकार नहीं करेंगे। आपका ये भक्त किसी प्रकार इन तप धंगारों पर नृत्य करता रहेगा और मेरे प्रतिरूप वहां आपका तप करते रहेंगे। भी हो जाए अंतिम विजय तो मेरी होगी, क्योंकि गणेश जी यहाँ से जा नहीं सकते और प्रभु महाशिव को यहाँ बुलाकर मैं अजय हो जाऊंगा। हो ना हो, अब मेरे यहाँ से प्रस्थान का समय आ चुका है, क्योंकि मैंने एक भी और मोदक खाया तो परिणाम ज्ञात होने पर भी मैं इस मोदक को ग्रहण करने पर विवश हूँ। हाँ। और शीघ्रता करनी होगी हमें। मूषक जी, अब भी आप नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो मुझे माता की कृपा की ही आस है। इस महाविनाशक महाअस्त्र का प्रयोग करने में संकोच नहीं किया इन दुष्ट असुरों ने। ये कैसी विकट परिस्थिति है, जहाँ एक ओर गणेश संकट में है वहीं दूसरी ओर भंड पुत्रों का महाअस्त्र माता बाल त्रिपुर सुंदरी की ओर बढ़ा जा रहा है। ये कैसी ऊर्जा है और कौन से अस्त्र का वाहन किया है? नारायण अस्त्र। ये क्या है जिसके प्रकाश से हमारी दृष्टि बाधित हो रही है? ये प्रकाश ही नहीं, कोई दिव्य ऊर्जा भी है। देखो, हमारा महाअस्त्र रुक गया है। और अब तो ये चक्र भी गतिशील हो गया है। प्रातः ये तो सब कुछ खींच रहा है, हमें भी खींच रहा है, किंतु हमें अपने स्थान पर अधिक रहना होगा। प्रातः जो मूर्ख शक्ति का अहंकार कर अन्याय करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि न्याय की शक्ति उनकी शक्ति से कहीं बड़ी है। जो एक न एक दिन उनके सामने आकर उनका विनाश भी करेगी, जो अब उन दुष्टों के साथ भी होने जा रहा है। 105 ब्रह्मांडों की दैविक शक्ति से संपन्न इस महास्त्र पर बहुत दम्भ था ना तुम्हें, किंतु ये मेरे नारायण अस्त्र का सामना कैसे करेगा, जिसमें सभी अनंत ब्रह्मांडों की शक्ति समाहित है। Oh, my God.
बस अब ये अंतिम मोदक ग्रहण करते ही मेरा पेट भर जाएगा। स्वार्थ हेतु की गई साधना भगवान के प्रति भक्ति नहीं अपितु छल है। इससे अभीष्ट की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती।